छतरपुर जिले के कलेक्टर परिसर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। कलेक्टर शीलन सिंह को अपनी फरियाद सुनाने आई महिला के साथ कलेक्टर के सिपाही ने मारपीट कर दी। कलेक्टर परिसर में महिलाओं से जिम्मेदार अधिकारी के सिपाहियों की इस घिनौनी हरकत को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, वह भी प्रशासन की नाक के नीचे। महिला ने अपनी फरियाद सुनाने के लिए बीजेपी कार्यालय की सीढ़ियों पर लेटकर अपनी दर्द भरी दास्तान प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह लोधी को सुनाई। पूरा मामला बिजावर थाना अंतर्गत ग्राम राजपुरा की रहने वाली महिला मुन्नी देवी, पति काशीराम अहिरवार अपने पारिवारिक बंटवारे से परेशान कलेक्टर को फरियाद सुनाने आई थी, लेकिन जिला कलेक्टर ने महिला की फरियाद नहीं सुनी और कलेक्टर के सिपाही ने महिला के साथ मारपीट कर दी। क्या कलेक्टर साहब ने आवेदन देने आए थे राजपुरा से, विधानसभा से, तो हमने आवेदन ले लिया, हमने गाड़ी चेकी तो उनकी सिपाही ने दो सिपाही ने मार दिया हमको। कब आई थी आप? हम सवेरे 12 बजे के बैठे उनके इंतजार में, आए तो जनसुनवाई में तो जनसुनवाई बंद थी, तो गए वहाँ पे चले जाओ कलेक्टर साहब मिलेंगे, तो उनके लिए आवेदन लिखो, तो उन्हीं के हाथ में देना था। कह रहे थे सिपाही के तुम डब्बे में डाल दो, हमें कि हम नहीं डालेंगे, हम तो उनके हाथ में देंगे। कई बार हमने उनको दे चुके लेकिन कोई सुनाई नहीं किया, ना विजय तहसील में हमारी सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल नहीं। क्या समस्या लेकर आएंगी आप बता दो? हमारी जमीन है जो जायदाद है, तो हमारे देव ने अपने आप में हड़प लिया, जेब ने हड़प लिया, हमको कुछ नहीं दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो रोड पर पड़े हैं, तो तीनों मकानों ने छीन लिए, बाकी संपत्ति सारी छीन ली उन लोगों ने, मारपीट करते हमारी। कलेक्टर को ज्ञापन देने गई तो क्या हुआ? हम आवेदन देने गए थे तो उन्होंने आवेदन नहीं लिया और कह रहे कि इसको जेल में बंद करवाओ, पुलिस बुलाओ इसको। कौन बोल रहा था? कलेक्टर साहब। तो हमने कहा कि हाँ करो, बिल्कुल बंद करो, मैंने कुछ प्लान जो किया हो तो मुझे दंड मिलना चाहिए, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। किसने मारपीट की तुम्हारे साथ? अभी पुलिस वाले ने किया, अपनी गार्ड ने। दोस्तों, मैं वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दिखे उस पर भी क्लिक कर लें।